हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। सो यूजुअली आज आपका 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला लेक्चर है। जैसे कल सर ने आपको बताया था, 11th स्टैंडर्ड की यूजुअली हम लोग एक्चुअल में क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं अप्रैल से, एंड जून तक आपके कॉलेजेस स्टार्ट होने तक, आपका रिजल्ट लगने तक एक्चुअली आपके लेक्चर्स चालू होते हैं, राइट। बट इस साल हम लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल द थिंग्स, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग ताकि आप लोग घर पे वैकेशन तो आप लोग करो, बट साइमल्टेनियसली आप थोड़ा बहुत स्टडीज के ऊपर भी ध्यान दो। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, 10th स्टैंडर्ड के बाद हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर वॉट नेक्स्ट, राइट। 10th स्टैंडर्ड तक तो हम लोग आराम से पहुंच जाता है सर, 10th तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, करेक्ट है, बिकॉज हम लोग जो फ्लो में चलते रहते हैं, करेक्ट है, फर्स्ट से लेकर 10th तक जो एक फ्लो में चलते रहते हैं वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब 10th स्टैंडर्ड के बाद सर हमारे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आते हैं, सर 10th के बाद हमें कौन से कॉलेज में जाना होता है, सर हमें कौन से कोर्सेस लेने होते हैं, सर वेदर वी हैव टू गो इन टू द साइंस, हमें कॉमर्स में जाना होता है, हमें आर्ट्स में जाना होता है, या फिर बहुत सारी चीजें फील्ड होती है जो उसके बारे में आप स्लाइटली कंफ्यूज होते हो। बट स्टूडेंट्स, यही आपका टाइम है जहां पर आपको आपके लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे पहला आपको प्रेशियस डिसीजन आपको लेना होता है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका फ्रेंड आपका साइंस में जा रहा है, आपका 10th स्टैंडर्ड होने के बाद, आपके रिजल्ट्स आने के बाद आपका फ्रेंड अगर साइंस में जा रहा है तो सर मैं भी जाऊंगा साइंस में बिकॉज मेरा फ्रेंड चला गया। सो ये चीजें ना आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ये जो टाइम दिया हुआ है, ये 2 से 3 महीने के पास आपका जो टाइम होता है ये बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है। समझने वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, सर हमें IIT के लिए प्रिपरेशन करना है, सर हमें नीट मेडिकल्स के लिए हमें प्रिपरेशन करना है, सर हमें कुछ और चीजें करनी है, तो ये चीजें दिमाग में ना आपके अभी से चालू होना चाहिए। एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम जहां पे आप हर एक चीजों के इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये चीजें समझ लो बिकॉज आगे जाने के बाद, बिकॉज अब जो आप लोग डिसीजन लेने वाले हो 10th स्टैंडर्ड के बाद आप साइंस में जा रहे हो, साइंस करने के बाद 12th में 2 साल आप लोगों ने निकाल लिया, 11+1 दैट इज 12, राइट। अब 12th होने के बाद वॉट नेक्स्ट, अब वहां पर आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, 12th तक हम लोगों ने साइंस तो कर लिया, अब साइंस के बाद आपके पास इतने वास्ट चीजें होती है, आपके पास इतने वास्ट क्या बोल सकते हो आप उसको, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि जिसे आप लोग चूज करने में कहीं ना कहीं पे आप लोग गलत चीज कर लेते हो, राइट। तो यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू बी परफेक्ट व्हाट यू गाइस हैव टू डू इन द योर करियर, राइट। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने जो लाइफ में डिसीजन लिया हुआ है वो चीजें आपको 60, 65, 70 ईयर्स तक आपको उसी फील्ड में जाना है, करेक्ट है। तो कभी आपके लाइफ में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि सर काश मैंने उस टाइम पे एक परफेक्ट डिसीजन लिया होता, मैंने ना ही किसी का सुना होता, मैंने अगर अपने मन की सुनी रहती और मैंने अपने हिसाब से अगर किया रहता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। बिकॉज ये चीज आपके दिमाग में, आपके लाइफ में कभी भी जब आती है ना तो आप लोग, आप कभी उस चीज को सहन नहीं कर पाते हो कि काश मैं ये चीज करता तो आज मैं यहां पे होता। तो यही आपके पास एक परफेक्ट टाइम है, आप चीजों को गैदर करना सीखो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, आपके जो बड़े भाई रहेंगे या फिर आपके जो रिलेटिव्स रहेंगे या फिर आपके जो नेबर्स रहेंगे, जहां पे आपके कुछ फ्रेंड सर्कल्स रहेंगे वहां पे उनसे कॉन्टैक्ट करो, वहां पे पूछो कि मुझे क्या करना है। आपके जो मेंटोर रहेंगे, आपके जो टीचर्स रहेंगे, आप जिस क्लासेस में जाते हो अगर आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करते हो तो आप उनसे जरा एक बार बात करो, उनसे एक बार पूछो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, राइट। तो मैं तो आपको यहां पे साइंस के बारे में बताने वाला हूं, तो यूजुअली मायसेल्फ गिरीश एंड बहुत सारे बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड में थे वो मुझे जानते हैं, ठीक है। आई यूज टू टीच साइंस फॉर 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज केमिस्ट्री फॉर 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड, राइट। तो अगर आप साइंस में एडमिशन लेते हो तो आप मेरी शक्ल तो जरूर देखोगे, ठीक है, जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में देखते थे तो वही शक्ल आपको वापस 2 साल और भी देखना है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता दूं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, राइट। सर केमिस्ट्री होता क्या है, ये चीज हमें समझ में नहीं आती। सर एक बार फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, सर मैथ्स भी हमारे पास से हो जाता है, सर बायो भी होता है, बट सर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज इन लाइक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप उसको पढ़ने जाओगे ना सीरियसली, अगर आप आपको दिमाग उसमें लगाओगे तो इससे ज्यादा सिंपलेस्ट सब्जेक्ट और कोई नहीं है। इसमें होते क्या है, कुछ थ्योरीज होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे,
कुछ आपके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको पढ़ना है, कुछ फिजिकल पार्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये चीजें जब आप अच्छे से समझ के पढ़ते हो ना, तो इससे ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट आपका कोई नहीं होता। अब ये मैं पढ़ा रहा हूं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट ये फैक्ट है, जब आप कोई भी चीज एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ते हो ना, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ज्यादा मैं आपको बोर करने वाला नहीं हूं, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ आपके केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइक जब आप 11th में आ रहे हो, तो 11th में आने के बाद आपके पास केमिस्ट्री सिलेबस आपका कैसे होगा, इसके बारे में लोग थोड़ा सा एक 5 मिनट हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, राइट। सबसे पहले केमिस्ट्री होता क्या, जब आपको ये सवाल कोई पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन जब आप कोई भी कॉलेज में जाते हो, ठीक है, अब आपके पास ये भी डिसीजन होना चाहिए कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। स्टूडेंट्स 10th standard के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सर मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, सर मैं ये कॉलेज में जाओ, सर मैं वो कॉलेज में जाओ, मुझे प्रिपरेशंस किस हिसाब से करने हैं। तो ये सारी चीज आपको दिमाग लगानी पड़ती है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप इस कॉलेज में जाओगे तो आपके परसेंटेज ज्यादा आएंगे। बेटा आप में वो पढ़ने की काबिलियत होनी चाहिए, आप भले कोई भी कॉलेज में जाओ, इफ यू आर द बेस्ट तो आपको कोई नहीं रोक सकता, एंड आपको बेस्ट होना है। आप सिर्फ साइंस कंप्लीट कर रहे हो, या फिर यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, या फिर यू जस्ट वांटेड टू बी अ डॉक्टर, या फिर आपको कुछ और चीजें करनी है, सिर्फ अगर आप ये सोचोगे तो बेटा बिल्कुल नहीं होने वाला, आप भी उन नॉर्मल इंजीनियर्स में या फिर उन नॉर्मल डॉक्टर्स में ही पाए जाओगे। इफ यू थिंक लाइक कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इंजीनियर, जब आपके मन में ये चीजें होती है ना, सर आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, राइट, आपके साथ लाखों इंजीनियर्स बाहर निकलते हैं, आपके साथ लाखों स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे, आपके साथ अभी 10th स्टैंडर्ड में भी लाखों बच्चे बाहर निकलेंगे, बट उस कॉलेज में जाने के लिए यू हैव टू बी द बेस्ट, राइट। उसके बाद की बात अलग है, आप उसके अंदर पढ़ाई करो नहीं करो ये चीजें आपकी और चीजें होती है, ठीक है। बट अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आप में वो एक यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए, एक यूनिक क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए जो बाकी बच्चों में नहीं है, ठीक है, ओके। तो वो चीज है तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेक्चर में आपको एक अलग से मैं आपको दे दूंगा करियर्स के बारे में, करियर में चीजें क्या होती है कैसी होती है। बट लेट्स कम टू द टॉपिक, बैक टू द पवेलियन स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर में सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो आज ज्यादा बोर नहीं करूंगा, एक 5 मिनट में आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में आपके केमिस्ट्री में कितनी चीजें आएंगी, राइट। अच्छा, सबसे पहले सवाल मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री होता क्या है, ये कोई भी कॉलेज में जाने के बाद हर एक सर या फिर हर एक मैडम सबसे पहले सवाल आपको यही पूछेंगे केमिस्ट्री होता क्या है। तो बेटा इसके बारे में ना दिमाग में ना बना के रख लो केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री इज नथिंग बट अ सब्जेक्ट दैट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच डील्स विद सम काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो जब आप जिस सब्जेक्ट में एक ऐसा ब्रांच ऑफ अ साइंस जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो, सर सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना इस केमिस्ट्री होता है क्या, सो आंसर इज नो। मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर दो, बिल्कुल नहीं, करेक्ट है। तो आप इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करोगे, आप एटम्स के बारे में डिस्कशन करते हो, आप कुछ आपके मैटर्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हो, आप कुछ लॉ के बारे में डिस्कस करते हो, ठीक है, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बात करते हो, आप किसी साइंटिस्ट ने बनाए हुए थ्योरीज के बारे में आप डिस्कशन करते हो, आप कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करते हो, तो ये सारी चीजें, आप कुछ एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करते हो, तो ये सारी चीजें जो आपके एक साथ कंबाइन होती है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड अस केमिस्ट्री, राइट। तो केमिस्ट्री सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स मेक्स अ सब्जेक्ट व्हिच इज केमिस्ट्री, राइट। अब इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हमने 5 अलग अलग चीजों में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो केमिस्ट्री को हमने 5 अलग अलग पॉइंट्स में, हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड अस मेरा फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिवाइड किया हुआ है। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा हमारे पास दिया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ वन व्हिच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड फिफ्थ which is biochemistry। तो इस तरीके से हम लोगों ने केमिस्ट्री को 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, राइट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं, ये 5 टॉपिक्स आपके क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो आपके पूरे सिलेबस में 2 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2। जिस तरीके से आपके मैथ्स 1 मैथ्स 2 होती है, वैसे ही आपका केमिस्ट्री भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड किया हुआ है, राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी ध्यान से समझना, फर्स्ट से लेके 1 टू
16 चैप्टर्स आपके पूरे सिलेबस में इंक्लूडेड होंगे, राइट? 1 टू 16 चैप्टर्स आपके हैं, टोटल 16 चैप्टर्स आपके 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके इंक्लूड होंगे, राइट? और ये सिलेबस आपका लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, तो इस साल कुछ चेंज होने की गुंजाइश तो है नहीं, ठीक है? तो ये लास्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उसमें आपके जितने भी चैप्टर्स हैं एकदम परफेक्ट है, कोई उसके अंदर चीजें चेंज करने की जरूरत तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है? तो पहला चैप्टर हमारे पास यह हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर केमिस्ट्री एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में आप डिस्कशन करने वाले हो, कुछ लॉ के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में बाद में जाएंगे, ठीक है? सेकंड आपका चैप्टर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू द एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके कुछ फॉर्मुलेज के बारे में आपको दिया हुआ है, आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है, क्वाइट सिंपल चैप्टर, इसमें कोई आपका डिफिकल्टीज नहीं होंगी, ठीक है? तीसरा चैप्टर दिया हुआ है सम एनालिटिकल टेक्निक्स, यहाँ पे आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है, जैसे आपका क्रोमैटोग्राफी के बारे में, जैसे आपके कुछ एक्सट्रैक्शंस के बारे में, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो आपके एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो सम एनालिटिकल टेक्निक्स आपका चैप्टर नंबर 3 है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, डायग्राम्स है और कुछ आपके प्रोसीजर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड में, व्हिच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एग्जैक्टली आपके एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एटम किससे बना हुआ है, एटम्स के अंदर चीजें क्या क्या होती है, इस चीज के बारे में बताने वाला कौन था, तो ये सारी थ्योरीज के बारे में आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करना है, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, राइट? तो ये चैप्टर का बी छोड़ना नहीं ऑप्शन, मैं पहले बता रहा हूं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 5, व्हिच इज अ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें बहुत सारी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करना है, जैसे कि आपका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास आएगा एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और भी बहुत सारी चीजें, बॉन्डिंग्स कैसी होती है, कौन सी बॉन्डिंग्स होती है, ये सारी चीजों के बारे में आपको यहां पे डिस्कशन करना, राइट? चैप्टर नंबर 6 आपको दिया हुआ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में आपने 10th में पढ़ा हुआ रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, बट अब आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस किए जाते हैं, उसके अंदर कौन से अलग मेथड्स है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, थोड़ा सा हायर लेवल के हिसाब से आपको यहां पे डिस्कशन करना, राइट? चैप्टर नंबर 7 में आपको दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तीन चैप्टर्स ना बहुत सारे बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है? ये तीन चैप्टर जो हमने एक साथ यहां पे अंडरलाइन किए हुए हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से लेके 7, 8, 9, ये तीन चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा बोरिंग लगते हैं बहुत सारे बच्चों को, बट मुझे समझ में नहीं आता इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर को आप बोरिंग कैसे समझ सकते हो, राइट? बिकॉज यहां भी आप पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके 10th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, करेक्ट है? आपने वहां पे भी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा हुआ है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 8 में ग्रुप 1 एंड 2 के बारे में डिस्कशन करोगे, दैट इज एस ब्लॉक, और 9th वाले चैप्टर में ग्रुप नंबर 13, 14 15 के बारे में बात करोगे, दैट इज पी ब्लॉक। तो यहां पे आप एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हो, यहां पे आपके पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हो, और ज्यादा डिफिकल्टी इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है? तो जब आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे तब उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको भी इंटरेस्ट वहां पे क्रिएट हो। 10th वाले चैप्टर में दिया हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे कुछ आपके यहाँ पे कुछ आपके इंटरैक्शंस के बारे में डिस्कशन करना है, तो वह इंटरैक्शंस कैसे होते हैं, करेक्ट है? यहाँ पे कुछ आपके फॉर्मुलेज आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज आपको गिवन है, ये फॉर्मुलेज के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है, राइट? फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11th आपको दिया हुआ है एडसॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स, राइट? एडसॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर तक अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर बहुत वास्ट था, और ये चैप्टर का नाम दिया था सरफेस केमिस्ट्री, बट दिस ईयर इसमें थोड़ी बहुत चीजें यहां पर रिड्यूस की हुई है एडसॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स के अंदर, सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 12th, व्हिच इज केमिकल इक्विलिब्रियम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो इसके बारे में डिस्कशन करना है। 13th आपको एक नया चैप्टर दिया हुआ है, जो लास्ट टू लास्ट ईयर तक जब आपका सिलेबस चेंज होने से पहले ये चैप्टर बिल्कुल नहीं था, ये चैप्टर फिजिक्स का था, ठीक है? तो इस साल ये चैप्टर उठा के, सॉरी लास्ट ईयर ये चैप्टर उठा के आपको केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, राइट? चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, ये दोनों चैप्टर आप जितनी डिटेल में पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स, उतना डिटेल में आपको यहां पे कवर करना है, बिकॉज दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड के लिए। सो मार्क माय वर्ड्स, ये दोनों चैप्टर्स आपके
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाइटली बिल्कुल लेना नहीं है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, इसमें बेसिक चीजों के बारे में आप डिस्कशन करने वाले हो। एंड लगी हाथ चैप्टर नंबर 15 जो आपको दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन, इसमें आप चार चीजों के बारे में पढ़ोगे। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके चार टॉपिक्स कंबाइन करके दिए हुए हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये चार चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करना है। एंड लास्ट वन चैप्टर नंबर 16 व्हिच इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब ये चैप्टर में आपको यूजुअली मेडिसिन के बारे में पढ़ना होता है, आपके ड्रग्स के बारे में पढ़ना होता है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा ड्रग आप इस्तेमाल करोगे, अगर आपको ये चीज हुई है तो उसके लिए आप कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हो, कौन से मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हो, उसके बारे में आपको ये वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर तक ये चैप्टर आपका 12th स्टैंडर्ड में था, 12th स्टैंडर्ड का सबसे लास्ट वाला चैप्टर अगर आप देखोगे तो उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये आपका 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर था। बट लास्ट ईयर जब आपका सिलेबस चेंज हुआ तो इस चैप्टर को 11th में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और 12th में इस चैप्टर के बारे में नहीं है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट आपने चैप्टर पढ़ लिया 10-15% आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सी मेडिसिन किस चीज के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस फॉर 11th स्टैंडर्ड। सो आई होप अगले लेक्चर में हम एक टॉपिक के बारे में शुरुआत करेंगे, एक चैप्टर हम शुरुआत करेंगे जिसमें आपको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सो एक बार जो सिलेबस के बारे में देख लो एंड प्लीज वीडियोस ऑब्जर्व करो, वैकेशन सेलिब्रेट करो नो डाउट, बट उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली एक हाथ दो घंटा थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी निकाल लो, एंड जैसे मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू कर दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ओके, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।